उधर पलामू प्रमंडल में सुखाड़ को लेकर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बैठक की है, जिसमें प्रमंडल की तीनों जिले पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले में वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त के साथ साथ लातेहार डीसी भोर सिंह यादव, आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, पलामू, गढ़वा एवं लातेहार की डीडीसी, अपर समाहर्ता, कृषि पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने पानी, जल संचयन एवं कृषि कार्य को फोकस कर विशेष कार्य करने पर बल दिया। करके पलामू प्रमंडल के जो जिले हैं वहां पे अभी जो जून और जुलाई की वर्षा जो है वो कम देखी गई है। अगस्त में हो सकता है कि फिर वो इम्प्रूव करे, या स्थिति यदि कंटिन्यू करेगी तो फिर इससे जो कृषि कार्य है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उसके लिए हमारा जो तीनों जिला है उसका जिला प्रशासन मुस्तैद है, और 14 जुलाई के बाद ही मैंने जब डायरेक्शन दिया था उसके बाद लगातार जिला स्तर पर कृषि टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक उपायुक्त कर रहे हैं और जो सिचुएशन है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज की मीटिंग में मैंने जितने भी विभाग हैं जो कृषि के संबंध में कोई काम कर रहे हैं या कर सकते हैं उनको मैंने आज बुलाया था, और उस जिले के सभी उप विकास आयुक्त भी थे, उपायुक्त लातेहार भी उपलब्ध है यहाँ पे, और उसके साथ मैंने विस्तृत चर्चा की और अभी तक क्या काम किया गया है उसकी समीक्षा मैंने की, और खास करके पलामू प्रमंडल के जो जिले हैं वहां पे अभी जो जून और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।